सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। मां पांडे बेबी जो प्रोफाइल इतने मां पेश कयो ऐं तमामु माना उन्हनि सां लेखे ज़्यादा जेकी जीअं मुंहिंजी पसंदी हुई जेको बि गण खपंदो हुओ मूंखे मिलियो। मां ॾाढो हिन रजिस्टर डॉट कॉम आहे, मां जाम ख़ुशि आहियां। मूंखे काई बि कंहिं बि ॻाल्हि जी कंप्लेन कोन्हे। रिश्तो डॉट कॉम सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। उल्लासनगर कैंप 3 के रहवासी जमील खान ने कल्याण लोकसभा पर वंचित बहुजन अघाड़ी से चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी शुरू कर दी है। जमील खान जी ने बताया कि वंचित बहुजन अघाड़ी पक्ष के अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर जी से चुनाव को लेकर जल्द मुलाकात करेंगे। वहीं जमील खान ने यह भी बताया कि कल्याण लोकसभा सीट पर उनकी जीत निश्चित होगी। मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं वंचित बहुजन अघाड़ी से, प्रकाश अंबेडकर जी की पार्टी है और मैं उस पार्टी से चुनाव लड़ने जा रहा हूं। अगर मुझे टिकट मिला तो 101% मैं चुनाव लड़ूंगा। आपने ऐसे क्या काम किए हैं, पहले आप क्या कर रहे थे, थोड़ा सविस्तर बताइए। शहर में मैंने सन 1990 से राजनीति किया है। 91 में मैं नगर सेवक चुनाव में खड़ा था, जो उस चुनाव में कुछ पार्टियों द्वारा धांधली हुई तो मैं 36 वोट से उस जमाने में मैं हार गया। उसके बाद में मैं 95 में भारी बहुजन महासंघ से MLA चुनाव लड़ा पप्पू कालानी के सामने, जिसमें मैंने लगभग 15,000 वोट लाया। उसके बाद में हम नगर सेवक चुनाव में खड़े हुए, कुछ कारणों से थोड़े से 25-50-100 वोट से मैं हार गया हूँ। 4 बार मैं चुनाव नगर सेवक का लड़ा हूँ, जिसमें 1 बार हमारी लड़की जीती है, 3 बार हम हारे हुए हैं। और आपने देखा होगा कि इस शहर में अल्पसंख्यकों के लिए, दलितों के लिए कोई काम नहीं हुआ है, तो मैं अल्पसंख्या, दलित और उत्तर भारतीयों को की लड़ाई लड़ने के लिए मैं इस चुनाव के मैदान में आया हूँ। तो वंचित से आप टिकट मांग रहे हो, आपकी कोई बातचीत हुई उधर? वंचित से मेरी बातचीत हुई है। 26 तारीख को अकोला में चुनाव है, 27 तारीख को हमारे प्रकाश जी अम्बेडकर साहब आएंगे बम्बई में, उनके साथ में हमारी मीटिंग होगी। यहाँ के लोकल लोग भी हमारे साथ में चलेंगे उस मीटिंग में। खान जी, देखा गया है कि आप कलानी के काफी नजदीक से हो, आप उनके साथ में चुनाव लड़ते हो, पर कलानी ने श्रीकांत शिंदे को सपोर्ट किया है इस बार, तो उस सपोर्ट में आप नहीं हो क्या उनके साथ? नहीं नहीं, मैं खुद ही चुनाव लड़ रहा हूँ तो मैं उनके साथ में क्यों रहूं? मेरा कोई समर्थन नहीं है श्रीकांत शिंदे जी को। मैं अपना चुनाव लड़ रहा हूँ वंचित से, तो मेरा अपना ही रहेगा, मैं किसी का क्यों सपोर्ट करूँ? तो ऐसे क्या क्या विषय है जो आप साथ में लेके चलोगे आगे? हमारा बहुत विषय है, विषय पूरे कल्याण के अंदर, लोकसभा के अंदर है। मुस्लिम समाज के लिए साहब, उल्लासनगर में यहाँ कब्रस्तान नहीं है, यहाँ पर मुस्लिम समाज के लिए कोई उर्दू स्कूल नहीं है, कोई ईदगाह नहीं है, ये मुस्लिम की बात हो गई। और दलित के लिए यहाँ पर उल्लासनगर में सिंधु भवन है लेकिन अंबेडकर भवन नहीं है, उत्तर भारतीय भवन नहीं है। और बहुत बड़ा, सबसे बड़ा हमारे उत्तर भारतीयों का मुद्दा ये है कि कल्याण के अंदर साहब जो ट्रेनें आती है, आप जाके देखिए, भर भर के ट्रेन आती है। हमारे उत्तर भारत जाने वाले जैसे UP और बिहार के लोग, उस डब्बे में 75 सीट की वो डब्बा है, उसमें 500 लोग बैठ जाते हैं और एक के ऊपर एक बैठे रहते हैं। और वो लोग गोरखपुर या बिहार पहुंचते हैं, 36 घंटा उसमें टट्टी पैखाना पेशाब नहीं करते हैं साहब, ये समस्या है। उस समस्या को ख़त्म करने के लिए मैं यह चुनाव लड़ रहा हूँ। उल्लासनगर में वंचित बहुजन अघाड़ी के भी काफी सारे लोग हैं, बिल्कुल, उनसे आपसे कुछ बातचीत हुई है? हाँ हुई है, लोकल नेताओं से बात हुई है। और इसके पहले जब चुनाव हुआ था, वंचित को 65,000 इस कल्याण लोकसभा से वोट मिला था,
तो मैं जीतने के कगार पे हूँ, हमारे दलित भाई, मुस्लिम भाई और उत्तर भारतीयों ने वोट दिया तो हम जीत जाएंगे। इस कल्याण लोकसभा क्षेत्र में 10,000 लोग तो हमारे रिश्तेदार, हमारे गांव के लोग हैं, बुमरा से लेके कल्याण, डुम्बेली, उल्लासनगर, अंबरनाथ तलक। तो मैं पूरा प्रबल संभावना है मैं ही जीतूंगा। नहीं, मुझे लगा कि ये हमारे वंचित की जो टिकट मैंने मांगा है, ये हम वंचित लोग ही है, इसके लिए हमने टिकट मांगा है। दूसरी बात रह गया कि हम लोग जानते हैं कि ये बार वंचित कल्याण से जीत जाएगी, इसके लिए मैंने वंचित का टिकट मांगा है। मैं जाते जाते आपको एक शेर पढ़ता हूं कि सियासत इस कदर आवाम पे एहसान करती है, पहले आंख छीन लेती है फिर चश्मे दान करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मैच रोकड़े, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज सबसे पहले आपके मोबाइल पर।